हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही सिंपल सॉक्स। ये देखिए, स्पेशली बिगनर्स के लिए हैं ये। इसमें कोई भी ज़्यादा फंदे घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है और एकदम बिल्कुल सादे हैं ये। ये देखिए, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है पैर में। यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक उल्टा उल्टा बुना है यहाँ से, और ये लास्ट तक दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। इसमें कोई भी घटाना बढ़ाना नहीं है। आप चाहें तो यहाँ लास्ट में मैंने घटाए हैं कुछ फंदे, आप वो भी ऑप्शनल हैं, चाहें तो घटा सकते हैं, ना चाहें तो नहीं घटाएं। अगर आपको घटाने में कोई परेशानी हो तो आप पूरे फंदे एक साथ भी बंद कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये उल्टा उल्टा बुना है। इसमें मैंने 46 फंदे लिए हैं, 46 फंदे मैंने इसमें लिए हैं, और 5 नंबर के लिए है ये। अगर आपको 4 नंबर के लिए बुनना है तो फंदे आप इतने ही रखेंगे, लंबाई इसकी थोड़ी कम कर देंगे। यहाँ मैंने ये लाइन बनाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 लाइन बनाई है ये। 4 नंबर के लिए बुन रहे हैं तो आप 20 या 19 लाइन बना सकते हैं। इसी तरह से हर एक एक नंबर के लिए जो बढ़ाएंगे आप, तो एक एक लाइन आप इसमें बढ़ाएंगे। उसके बाद आप इसको पैर से नाप के बाकी आप ये बुनेंगे। तो अब हम इसको बुनना शुरू करते हैं। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये मैंने 46 फंदे इसमें डाल के रखे हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 46 फंदे हैं ये। 46 स्टिचेस मैंने इसमें डाली। अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे, और ये फंदे जब हम डालेंगे तो सिंगल धागे से डालेंगे और बिल्कुल भी टाइट नहीं डालेंगे। ये ढीले ढीले हमें फंदे शुरू करने हैं। उसके बाद हम इसमें उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे। ये हमारी पहली सिलाई है। दोनों तरफ से हमें ऐसे ही बुनना है। फंदे आपको अपनी ऊन के हिसाब से लेने हैं। मेरे पास ये 2-ply की ऊन है, ओसवाल की ऊन है ये 2-ply की, थोड़ी सी मोटी है, इसलिए मैंने इसमें 46 फंदे लिए हैं। अगर आपके पास कोई ऊन ऐसी है कि उस वो बारीक है तो आप इसके 48 फंदे या 50 फंदे भी आप इसमें ले सकते हैं। ज़्यादा नंबर के लिए आप बना रहे हैं तभी भी आपको दो दो फंदे हर नंबर के लिए आपको इसमें एक्स्ट्रा करने होंगे। ये सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जितनी लाइन हम ये इसमें बनाते हैं उससे डबल हमें सिलाई करनी होती है, क्योंकि एक सिलाई की लाइन इधर बनेगी और एक सिलाई की लाइन इधर बनेगी, तो यानी कि दो सिलाई में एक लाइन बन रही है हमारी। 21 लाइन मैंने इसमें बनाई है, तो हमें इसमें 42 सिलाई हमें करनी है। 42 लाइंस मैंने इसमें बुननी है। ये पहली सिलाई हो गई हमारी। अब हम दूसरी सिलाई लेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और इसको भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह से बुनते हुए 21 लाइन इधर से आएंगी, 21 लाइन ये इधर से आएंगी, 42 सिलाई हमें इसमें कंप्लीट करनी है। देखिए, इधर से भी और इधर से भी। अगर आप सीधा सीधा बुनने में कंफर्टेबल हैं तो आप दोनों साइड से सीधा सीधा बुनें। अगर आप उल्टा उल्टा बुनने में कंफर्टेबल हैं तो आप दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनें। दोनों ही तरीके से ये इसी तरीके की बुनाई आ जाएगी। बुनना आपको एक ही जैसा है। अगर आप उल्टा बुनेंगे तो दोनों साइड से उल्टा बुनना है, और अगर सीधा बुनेंगे तो दोनों साइड से सीधा बुनना है। इसी तरह से ये दो सिलाई इस तरह से कंप्लीट करके 40 सिलाई अभी हमें और इसी तरह बुननी है। ये देखिए, ये दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी लाइन गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 लाइन हमने यहाँ बना ली। अब हमें इसमें ये वाला पार्ट हम बनाएंगे,
यहाँ तक का हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको यहाँ ये वाला पार्ट हमें बनाना है। देखें, पहला फंदा तो बिना बुना ही लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, ये दो फंदे हो गए सीधे। अब हम एक फंदा धागा आगे लेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे लेंगे, दो फंदे उल्टे। इस तरह से हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे बुनते हुए। इस तरह से सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये हमने दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे बुनते हुए सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम दूसरी सिलाई बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे। अब हमें ये बुनना है, जो फंदे हमने इधर से सीधे बुने थे वो इधर से उल्टे बुने जाएंगे, और जो उधर से उल्टे बुने थे वो इधर से सीधे बुने जाएंगे। ये लास्ट के मेरे दो फंदे सीधे आए थे, तो अब ये दो फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद ये देखेंगे आप, खुद ही दिख जाएंगे ये कि आपको कौन से उल्टे बुनने हैं और कौन से सीधे बुनने हैं। ये दो फंदे सीधे बुन लेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड से यही बुनना है। ये सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये वाली सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब दो सिलाई हो गई हमारी। ये तीसरी सिलाई हम फिर उसी तरीके से करेंगे। जो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं वो सीधे बुनने हैं, और जो हमें उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बुनने हैं। देखेंगे इस तरह से ये बुनाई आ जाएगी। अब हमें ये दो सिलाई हमने कंप्लीट कर ली हैं, और 24 सिलाई अभी हमें और बुननी है, यानी कि हमें पूरी 26 रो इसमें बुननी है। ये मैंने इस नाप के जो मैंने बनाया है इसके लिए है ये। अगर आपको का साइज कम या ज्यादा है, या ऊन अगर आपकी बारीक है, तो आप दो सिलाई और एक्स्ट्रा बुन सकते हैं। ये आपको अपने पैर के नाप के हिसाब से बनाना है। इस तरह से बुनते हुए हम इसकी तीसरी सिलाई है ये। ये सिलाई पूरी होने के बाद 23 सिलाई और करेंगे। इसमें 26 सिलाई, या हम 24 सिलाई अगर हमें करनी है तो अभी हम 21 सिलाई और करेंगे। तीन सिलाई ये पूरी होने के बाद 21 सिलाई और करेंगे, तो ये हमारी 24 सिलाई हो जाएंगी पूरी। इस तरह से हम इसकी 24 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कैसे बुनना है। देखिए, यहाँ मैंने ये इस तरह से बुन लिया है, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे बुनते हुए मैंने ये 24 सिलाई कंप्लीट की है। अब आप इसको यहाँ पैर से नाप सकते हैं कि आपको इसको कितना बनाना है। अगर हम इसको इंच टेप से नापेंगे तो आप देखेंगे ये हो गया है हमारा 7 इंच कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने इसमें फंदे घटाने हैं थोड़े, तो 1 इंच और बन जाएगा ये। अगर आपको फंदे नहीं घटाने हैं तो आप यहीं पर इसको 8 इंच बुन लेंगे, और उसके बाद पूरे फंदे एक साथ बंद कर देंगे। लेकिन मैं इसमें थोड़े फंदे घटा रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको 7 इंच रखा है। और अगर आप इसको इंच टेप से ना नाप के पैर से नापेंगे, तो देखिए इस तरह से बुनने के बाद इसके ऊपर आप ऐसे पैर रखेंगे, यहाँ इस तरह से आप इसको नापेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ तक आ रहा है। इसको हमें थोड़ा सा खींच के नापना होगा, हम थोड़ा खींचेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अभी हमें इसमें कुछ सिलाइयाँ और बुननी हैं घटाते हुए, तो ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। बिना खींचे ये यहाँ तक आ रहा है, हल्का सा खींचेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, वरना इसकी फिटिंग नहीं आएगी, ये टाइट हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ घटाएंगे, जो हमारे सीधे फंदे आ रहे हैं इनको हम सीधे बुन लेंगे। ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बुनेंगे, और जो सीधे फंदे हैं इन फंदों को हम दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। जो
जो भी सीधे फंदे हैं वहां दो फंदे का एक फंदा कर देंगे, और जो दो उल्टे फंदे हैं उनको हम उल्टा ही रहने देंगे। अब हमारी ये जो उल्टे उल्टे फंदे इस तरफ से हम ये लेंगे, जहां दो थे वहां एक हो जाएगा। ये पहली सिलाई हो गई। अभी हमें तीन सिलाई और इसी तरह से करनी है कि जो सीधे फंदे हैं वो हम सीधे बुनेंगे। अब देखिए इधर से जो सीधे फंदे हैं दो, ये सीधे बुने जाएंगे, और उल्टा फंदा अब एक बुना जाएगा क्योंकि एक फंदा इसमें से घट चुका है। ये दूसरी सिलाई है। इसके बाद दो सिलाई हमें और इसी तरह से करनी है, सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा। ये देखिए ये मैंने चार सिलाई इसकी कंप्लीट कर ली है। एक सिलाई पे हमने फंदे घटाए, उसके बाद हमने ये वैसे ही सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा, तीन सिलाई और करके चार सिलाई ये कंप्लीट हो गई। अभी हमें इसमें और फंदे घटाने हैं। ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं दो, एक फंदा बुना, दूसरे फंदे में से ये वाला फंदा दो का एक कर दिया, फिर एक बुनेंगे, फिर दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। यानी यहाँ अब ये इस तरफ से उल्टे फंदे खत्म हो जाएंगे और सीधे सीधे फंदे ये रह जाएंगे। ऐसे घटाते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये घटाना अगर आप बिगनर्स हैं और आपको ये समझ ना आए तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आपको अगर ये नहीं घटाना है तो आप इसको पूरी लंबाई ऐसे ही बिना घटाए बुनेंगे, और जैसे कि मैं अभी लास्ट में फंदे बंद करूंगी उस तरीके से आप पूरे फंदे इसके बंद कर देंगे, तभी भी ये आ जाएगा। इसलिए अगर आपको घटाने में कन्फ्यूजन हो तो आप इसको बिना घटाए भी बना सकते हैं। ये मैं इसलिए घटाती हूँ ताकि हमारी ये यहाँ की जो फिटिंग होती है ये ज़्यादा अच्छे से आ जाती है। अगर हम पूरे फंदे एक साथ घटाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ से ये मोटा सा हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए मैं थोड़े फंदे इसके पहले घटा देती हूँ। लेकिन अगर आपको पर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे ही बुन सकते हैं इसको। अब हम ये वाली सिलाई में कोई भी फंदा उल्टा नहीं बचा है, सब घट चुके हैं, तो हम ये सारे फंदे सीधे बुन देंगे। यहाँ कोई भी उल्टा फंदा नहीं बचा है, पूरे फंदे हमें इसको सीधे बुनने हैं। यहाँ से हमने ये घटाना शुरू करा था, करीब एक इंच हमारा ये बन जाएगा। टोटल हमें इसको पूरा 8 इंच तैयार रखना है 5 नंबर के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने नंबर के लिए भी आप बना रहे हैं। अब हम इस वाली सिलाई में पूरी सिलाई दो फंदे का एक फंदा करते हुए ये बुन देंगे। ये देखेंगे अब इतने कम फंदे हमारे पास ये बचे हैं, ये सारे फंदे हम एक फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से हमें ये फंदे घटाने हैं। अगर आपको ये फंदे नहीं घटाने हैं, पूरे ही फंदों का आपको
8 इंच तक बुनने के बाद आप सारे फंदे इस तरह से एक फंदे के ऊपर से उतार सकते हैं, या तो आपको अगर ऐसे भी ना हो तो आप ये धागा थोड़ा सी दूरी से काट के और इसको सुई में डाल के आप ये सारे फंदे सुई में लेके तब इसको धागा खींच के बांध सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से फंदे हैं तो ऐसे ही फंदे के ऊपर से उतार दिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और सुई से भी इनको बंद कर सकते हैं। अब हम इस धागे को काट के और इसकी सिलाई शुरू करेंगे। देखिए ये यहाँ से इस तरह से गोलाई आ गई। अब हम इसको सिलेंगे। देखिए यहाँ से जो हमने ये बिना बुने फंदे लिए थे, इधर से भी और इधर से भी इसको हम सीधी तरफ से सिलेंगे ताकि हमारी ये ज़्यादा सफाई आए इसकी सिलाई में। ये देखिए ये वाली चेन में हमें इधर से टांका लेना है। आप चाहें तो अपने तरीके से किसी भी तरीके से सिल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रंट पे है तो इसको आपको बहुत ही सफाई के साथ सिलना है। इस तरह से एक चेन इधर से पकड़ेंगे, दूसरी चेन इधर से लेंगे और हल्के से खींच देंगे धागा। सीधी तरफ से हम सिलेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारी कहाँ पर सफाई आ रही है और कहाँ पर नहीं आ रही है, तो हम उसको उसी टाइम सही कर लेंगे। देखिए यहाँ इस तरह से ये बिल्कुल सफाई से ही एकदम आएगा जैसे कि इसमें आया है। इस तरह से सिलते हुए और जो यहाँ की ये सिलाई है, ये आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे आप चाहें आप वैसे करेंगे। ये अंदर, ये आप अंदर की तरफ से भी सिल सकते हैं, चाहें तो आप बाहर की तरफ से जैसे भी आप सिलें, लेकिन यहाँ से आपको सीधी तरफ से ही सिलना है ये। इस तरह से इसको दोनों साइड से अब हम सिल के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल यहां से मैंने ये उल्टी तरफ से सिला है, ये मैंने यहां से सीधी तरफ से सिला है। इस तरह से मैंने इसको सिल के कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसके उल्टा और सीधा फंदे होने की वजह से यहाँ से इसकी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। देखेंगे इस तरह से इसको पैर में डालेंगे, कि बिल्कुल बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी और कितनी इजीली बनके तैयार हो गया ये। ऊन भी इसमें ज़्यादा नहीं लगती है, 50 ग्राम ऊन में आपका ये आराम से तैयार हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं तो आपको 60 ग्राम लग जाएगी। यहाँ से भी ये, बस ये वाली सिलाई पे आपको ध्यान देना है कि ये वाली सिलाई आपको बहुत सफाई से करनी है। सीधी तरफ से करेंगे तो बिल्कुल सफाई से आएगी ये। इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। बहुत इजी है बनाने में, आप ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।